आपका स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं OnePlus 7 Pro के फर्स्ट रिटेल यूनिट की। अभी तक आपने जितनी भी अनबॉक्सिंग देखी है इस डिवाइस की, वो सारे रिव्यू यूनिट थे। 16 को जो फर्स्ट डे था इसकी सेल का, उस दिन दिल्ली में जो इनका सीपी में स्टोर है वहां पे 4-5 घंटे लाइन में लगने के बाद इस डिवाइस को परचेज किया है। मतलब वहां पे मुझे तो फिर भी थोड़ा जल्दी मिल गया डिवाइस। कुछ लोग थे जो कि 2 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, और कुछ लोग थे जो बाद में आए थे, उनको 12-1 बजे जाके डिवाइस मिला है। मतलब मैं खुद बहुत लेट हो गई थी, रात को 1:30 बजे घर पहुंची उसको खरीदने के बाद। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या निकलता है। मतलब इतनी मेहनत से जो डिवाइस लिया है, अंदर है क्या? और वैसे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप मशाटे से अनबॉक्सिंग नहीं करते, तो आपकी रिक्वेस्ट पे हम मशाटे से अनबॉक्सिंग करेंगे इस डिवाइस की। वैसे वहां पे एक चीज थी, मतलब स्टोर के बाहर जो लोग खड़े थे उनको स्निकर्स बांट रहे थे स्टोर वाले। अच्छी बात है स्निकर्स बांट रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे गर्मी में लोग खड़े थे पानी दे देते तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता। बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा टाइम से लोग खड़े थे और प्यास तो लगनी है। सो बॉक्स को खोलते हैं और सबसे पहले तो डिवाइस पे ही नजर डालेंगे। ये रहा हमारा डिवाइस। सो ये रहा हमारा मिरर ग्रे में OnePlus, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम ऑसम लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो ब्लू कलर है वो बहुत किलर लग रहा है। ब्लू कलर अवेलेबल ही नहीं था अभी, तो मिल नहीं रहा है। और रेड कलर में पता नहीं कैसा लगेगा, अगर उनमें से कोई कलर मिल जाता तो और बढ़िया बात हो जाती, लेकिन ये भी हमारा काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फटाफट से डिवाइस को स्विच ऑन करके इसको सेटअप कर लेते हैं, इसके फिंगरप्रिंट लॉक और फेस अनलॉक को। और देख सकते हैं आप, सब कुछ रजिस्टर कर लिया है मैंने, और डिवाइस हमारा जो है ये काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। इसकी लुक बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके अंदर हमें जो ग्लास बॉडी मिलती है उसके अंदर फिनिश बहुत बढ़िया आ रही है। बहुत ही प्यारा लग रहा है डिवाइस देखने में। इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो 162.6 इसकी हाइट है, 75.9 इसकी विड्थ और 8.8 mm इसकी थिकनेस। डिवाइस देखा जाए तो थोड़ा बड़ा है, हैवी डिवाइस है, 206 grams का डिवाइस है ये हमारा, लेकिन स्टाइलिश लुकिंग डिवाइस है ये हमारा। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, जो कि आपको 53,000 rupees में पड़ जाएगा। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और इस डिवाइस का जल्द मैं कंपैरिजन करूँगी Huawei के P30 Pro के साथ, उसके साथ iPhone XS Max के साथ, साथ ही Samsung के S10 Plus के साथ और इसी कंपनी के OnePlus 6T के साथ। अगर आपको इन सब की टेस्टिंग या फिर किसी और की टेस्टिंग देखनी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, आपको इस चैनल पे उन सब की टेस्टिंग मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं इस डिवाइस के 4000 mAh की बैटरी, और उसके साथ अगर मैं आपको बॉक्स कंटेंट दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं हमें मिलता है 30 वॉट का रैप चार्जर, जो कि हमारे डिवाइस को काफ़ी फटाफट चार्ज कर देगा। और इसके साथ आप ये देख सकते हैं ये है हमारी टाइप सी केबल। इसके साथ हमें बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स नहीं मिलते, मतलब यार ये 50,000 के ऊपर की रेंज का डिवाइस है। अब तो इसके अंदर ईयरफोन्स मिलने चाहिए। फ्लैगशिप सेगमेंट में देखा जाए तो ये हमारा इकलौता डिवाइस होगा जिसके साथ हमें ईयरफोन्स नहीं मिलते। बाकी सब कंपनियाँ देती हैं लेकिन OnePlus ने हमें नहीं दिए। और ये आप देख सकते हैं ये है हमारा बैक केस, जो कि नॉर्मल TPU केस है और डिवाइस के ऊपर काफ़ी ठीक लग रहा है। इसके साथ ये आप देख सकते हैं ये है हमारी इजेक्शन पिन, ये है हमारे कुछ स्टिकर्स, साथ में ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स। अब फटाफट से डिवाइस के डिस्प्ले पे नज़र डालते हैं। डिस्प्ले हमारा बहुत ही कमाल का है, काफ़ी बढ़िया काम किया गया है। ये आप देख सकते हैं 6.67 inch का हमें इसके अंदर डुअल कर्व डिस्प्ले मिलता है, जो कि हमारा फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है डिस्प्ले, एकदम ब्राइट वाइब्रेंट सा डिस्प्ले है, कलर्स भी एकदम मज़ेदार आ रहे हैं। और QHD+ हमें इसके अंदर रेजोल्यूशन मिलती है 3D Gorilla Glass की प्रोटेक्शन के साथ। और इसके साथ इसके डिस्प्ले में हमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। मतलब लास्ट टाइम जो ये हमारा ROG था इसके अंदर हमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिला था, लेकिन इसका डिस्प्ले इतना बढ़िया नहीं था जितना डिस्प्ले हमारे OnePlus का बढ़िया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो हम Asphalt 9 खेल रहे हैं इसके अंदर
90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की वजह से हमें गेमिंग का काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। डिस्प्ले की ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, मजेदार लग रही है गेम खेलने में। और साथ ही हमें इस डिवाइस के अंदर एक गेम मोड भी मिलता है, आप इसके ऑन कर सकते हैं अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस को और अल्ट्रा स्मूथ करने के लिए। साथ ही आपको 10 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है इस डिवाइस के अंदर। तो मतलब कि गेमिंग करते हुए गेम मोड को ऑन करके थोड़ी हाई सेटिंग्स पे गेम खेल रहे हो अगर आप ज़्यादा देर के लिए, तो आपका डिवाइस हीटअप नहीं होगा, ना ही चार्जिंग के टाइम पे हीटअप होगा। वैसे मैं अभी कुछ ही देर में, अभी एक दो घंटे के अंदर ही दूसरे चैनल पे अपने TNG गेमिंग पे इसका गेमिंग रिव्यू अपलोड कर दूंगी, जिसके अंदर हम PUBG भी खेलेंगे और देखेंगे कि कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इस डिवाइस के अंदर मिलती है। वैसे इसके अंदर हमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो भी हमारा लेटेस्ट प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 855 का 7nm बेस प्रोसेसर है, जो कि उसके साथ एडिनो 640 के ग्राफिक्स मिलते हैं, ऑक्सीजन OS का इंटरफेस जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड पाई पे, और इसका एंटूटू स्कोर भी हमने निकाल लिया है जो कि आया है 373,000। कमाल का सबसे ज़बरदस्त स्कोर आया है, मतलब मेरे डिवाइस का रैंकिंग में भी नंबर 1 पे आ रहा है। और इसके साथ प्रोसेसिंग और फास्ट और मतलब और स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इसलिए मिल जाता है क्योंकि इंडिया में शायद ये पहला डिवाइस है हमारा जिसमें आपको UFS 3 की स्टोरेज मिलती है। परफॉर्मेंस पे इतना अच्छा से इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि आपको प्रोसेसर भी इतना बढ़िया मिल रहा है, लेटेस्ट मिल रहा है, और आपको स्टोरेज भी इतनी बढ़िया मिल रही है। दोनों के डुअल इफेक्ट की वजह से हमारी परफॉर्मेंस मज़ेदार हो जाती है। इसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, डॉल्बी एटमॉस मिलता है, तो साउंड इफेक्ट भी आपको बढ़िया आएगा गेमिंग के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं इस डिवाइस के, हम बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। बैक में हमें मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। पहला है हमारा 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसके अंदर आपको सोनी IMX 586 का सेंसर मिलता है, उसका अपर्चर 1.6 है। साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है जिसका अपर्चर 2.4 है, और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, उसका अपर्चर हमारा 2.2 है। साथ में आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, उसका अपर्चर है हमारा 2, और उसके अंदर हमें सोनी का IMX 471 का सेंसर मिलता है। अब अगर मेन कैमरा की बात करें तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल मोड, अल्ट्रा वाइड मोड जिसके 117 डिग्री पे पिक ले सकते हैं, अपनी ग्रुप पिक लेनी हो, उसके साथ 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है आपको, नाइट स्केप मिलता है, प्रोफेशनल मोड, AI सीन रिकॉग्निशन, पेनोरमा शॉट, HDR मोड, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप इस डिवाइस से, 1360 फ्रेम्स पे स्लो मोशन शूट ले सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं आपको इस डिवाइस के अंदर। अब अगर हम इसके पिक्स पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं ये है हमारी पिक्स, और वैसे मुझे लगता है कि जैसे कि हमारा अब ये फ्लैगशिप सेगमेंट का डिवाइस है, फ्लैगशिप फ़ोन है ये 50,000 रुपये की रेंज का, तो इसके अंदर जो हमें सेंसर दिया गया है वो थोड़ा अपग्रेड कर देना चाहिए था। IMX 586 की जगह हमें थोड़ा और बढ़िया सेंसर दिया जा सकता था। वैसे आप देख सकते हैं पिक्स के सैम्पल्स आपके सामने ही हैं, और सेल्फी कैमरे के पिक्स की भी बात कर लेते हैं, इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल मोड, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, HDR मोड, और पिक्स आप देख सकते हैं। और वैसे जल्द हम इस डिवाइस के कैमरा को कंपेयर करेंगे बाकी डिवाइसेस के साथ और आपको मैं बताऊंगी कि क्या हमें रिजल्ट मिला है। इसके बाद इस डिवाइस के अंदर हमें जैसे कि फिंगरप्रिंट लॉक, फेस अनलॉक दोनों मिलते हैं, आइए उसको टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फेस अनलॉक पे आप नजर डाल सकते हैं, फेस अनलॉक आप देख सकते हैं हमारा काफी फास्ट है। मोटराइज्ड वे में पहले पॉपअप बाहर निकलेगा उसके बाद अनलॉक होगा, लेकिन स्टिल इसकी परफॉर्मेंस हमें बहुत ही अच्छी मिल रही है, काफी क्विकली फेस को अनलॉक कर रहा है। और इसके साथ हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, वो भी आप देख सकते हैं हमारा काफी क्विक है, फटाफट से डिवाइस को अनलॉक कर रहा है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें ई कंपास, गायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर कोर और लेजर सेंसर भी मिलता है, और उसके साथ आपको इस डिवाइस में वाईफाई, ब्लूटूथ 5, उसके साथ NFC मिलता है। साथ में काफ़ी सारे और भी मोड्स हैं जैसे कि नाइट मोड मिल जाता है हमें, रीडिंग मोड मिल जाता है हमें, जब भी आप अंधेरे में हो या ज़्यादा देर डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो इनको ऑन कर सकते हैं ताकि आइस पे आपके इफेक्ट ना पड़े, और उसके साथ आप इस डिस्प्ले को पूरी तरह अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं कि आपको विविड मोड चाहिए, नेचुरल लुकिंग चाहिए, या फिर आपको थोड़ी एडवांस सेटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट करना है इसके डिस्प्ले को। काफी सारे मोड्स मिलते हैं, आप पूरी तरह इसके डिस्प्ले को एंजॉय कर सकते हैं। जो वन प्लस होता है इसके अंदर आपको बहुत सारे मोड्स मिलते हैं, कस्टमाइजेशन के लिए काफी सारी चीजें मिलती हैं। वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं जल्द आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको सारे इसके टॉप फीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो आप देख सकते हैं ये हमारा OnePlus 7 Pro जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग डिवाइस लगा मुझे, और वैसे अभी हम इसको एक दो दिन यूज़ करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा, आपको मैं बताऊंगी क्या हमें रिजल्ट मिला है टेस्टिंग के दौरान और क्या एक्सपीरियंस मिला है मुझे इसको यूज़ करने से।
सो आज के लिए इतना ही, मैं जल्द वापस आऊंगी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।